प्रिय विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच के टॉपिक में हमने मांग की कीमत लोच के अर्थ को जाना, मांग की कीमत लोच के सूत्र को हमने जाना। फिर मैंने आपको एक छोटी सी सारणी के द्वारा मांग की कीमत लोच को उस सूत्र में रख कर, मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए सारणी के द्वारा अंकों को सूत्र में रख कर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने का तरीका बताया। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या प्रकार। श्रेणियाँ या प्रकारों के नाम अलग अलग हैं, लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोच, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार। तो ये नाम आपको बताने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि इन अजीबोगरीब नामों को सुनकर आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है उन्हें नाम थोड़े से अनफेमिलियर लग सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ या प्रकार। देखिए, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। उस टेबल में मैंने क्या किया, हमने क्या किया है कि कीमत ली है, मांग मात्रा ली है और उसका श्रेणीकरण किया है। तो इस टेबल में मैंने पांच कंडीशंस रखी हैं, कंडीशन ए, कंडीशन बी, कंडीशन सी, डी एंड ई कंडीशन, ठीक है। और कंडीशन कैसे रखी है कि कीमतों को हमेशा गिरते हुए बताया है, और कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। दिस इज द फंडामेंटल रूल, बेसिक कॉन्सेप्ट है मांग के नियम का, कि कीमत गिरेगी तो मांग बढ़ेगी। तो यहाँ मैंने पांच कंडीशंस डाली हैं। पहली कंडीशन देखी, कीमत अगर 50% गिरती है उसके कारण मांग में 50% वृद्धि हो जाती है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जितना परिवर्तन कीमत में हुआ उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ है, या जितना प्रतिशत कीमत गिरी है उतने ही प्रतिशत मांग बढ़ गई है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जितना परिवर्तन कीमत में होता है और कीमत के परिवर्तन के कारण मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं इकाई लोचदार मांग। क्या कहते हैं इसे, इकाई लोचदार मांग की सिचुएशन कहते हैं, या कहेंगे यहाँ पे मांग की जो लोच है वो इकाई के बराबर है या एक के बराबर है। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, बी कंडीशन, कीमत में अगर 50% की कमी हुई है तो मांग के नियम के अनुसार मांग को बढ़ जाना चाहिए। कीमत में 50% की कमी हुई है, मांग में सिर्फ 10% की ही वृद्धि हुई है, यानी कि कीमत के परिवर्तन से कम परिवर्तन मांग में हुआ है। कीमत बदली है, मांग भी बदली है, लेकिन उतनी नहीं बदली है जितनी की कीमत बदली है। तो जब ये कंडीशन होती है तो इसे कहते हैं बेलोचदार मांग। अगर कहा जाए कि कीमत 50% घट गई है लेकिन मांग 10% ही बढ़ पाई है, तो ये बेलोचदार मांग की स्थिति है या इकाई से कम, इकाई से कम लोचदार। क्लियर? इसे बोलेंगे ईडी इज इक्वल टू 1, इसे बोलेंगे ईडी लेस देन 1। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हो गई, अब हम तीसरी कंडीशन पे आते हैं। कीमतों में यदि 50% की गिरावट हुई है लेकिन मांग में वृद्धि हुई है, और वह वृद्धि कीमत के परिवर्तन से ज्यादा होती है, तो इसे हम कहते हैं लोचदार मांग या इकाई से अधिक मांग की
लोच, इकाई से अधिक मांग की लोच, इसे ईडी ग्रेटर देन वन से शो किया जाएगा। अगर सिचुएशन ये होती है कि कीमतों में 50% की कमी हो गई है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में नो चेंज, कोई चेंज नहीं है मांग में, तो इसे कहेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग। डिनोट करेंगे ईडी इज इक्वल टू शून्य। कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन कीमत के परिवर्तन के बराबर मांग में परिवर्तन हो गया, कीमत के परिवर्तन से कम मांग में परिवर्तन हुआ है, कीमत के परिवर्तन से ज़्यादा मांग में परिवर्तन हुआ है, कीमत में परिवर्तन हुआ है, मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। पांचवी कंडीशन, अगर सिचुएशन ये है कि किसी वस्तु की कीमत में मामूली सी गिरावट, माइन्यूट, सूक्ष्म सी कमी होने पर उसकी मांग अनंत हो जाए, ये जो निशान है आडा आठ, ये अनंत का निशान है, उसकी मांग अनंत हो जाए या सूक्ष्म सी वृद्धि होने पर मांग शून्य हो जाए। कंडीशन को समझिए कि मामूली सी गिरावट होने पर मांग अनंत हो जाए, मामूली सी वृद्धि होने पर मांग शून्य हो जाए, तो ये पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। इसे ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी से शो करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच के प्रकार या उसकी श्रेणियाँ आ गई हैं। यहाँ पर पांच श्रेणी आई हैं, इकाई लोचदार, बेलोचदार, लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार या पूर्णतया लोचदार मांग। अब हम एक एक को अलग अलग समझाएंगे, उनका ग्राफ बनाएंगे, मांग वक्र से समझाएंगे। अब हम एक एक करके पांचों श्रेणियों को दोबारा से क्लियर करेंगे। इकाई लोचदार मांग, इसे ईडी इज इक्वल टू वन से शो किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है, कीमत में परिवर्तन बराबर मांग में परिवर्तन। अगर कीमत में 10% परिवर्तन हुआ है तो मांग में भी 10% परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन परिवर्तन इनवर्स होगा, कीमतें 10% घटेगी तो मांग 10% बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं इकाई लोचदार मांग, यानी कि जब कीमत में 10% की कमी हो जाए तो मांग में 10% की वृद्धि हो जाएगी, यही इकाई लोचदार मांग कहलाती है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, हमें ये बताना है कि जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ है। तो पहला सवाल ये होगा कि अगर हमें इस चीज़ को, इस घटना को ग्राफ पर दर्शाना है तो हम कौन से ग्राफ का यूज़ करेंगे? कीमत और मांग के बीच में मांग वक्र ही बनेगा। तो यहाँ पर हम एक मांग वक्र बनाते हैं, यहाँ हम मांग मात्रा लेते हैं, यहाँ हम कीमत लेते हैं, यहाँ हम x अक्ष लिख लेते हैं, यहाँ हम y अक्ष लिख लेते हैं। हमें ये कब बताना है कि जितना परिवर्तन कीमत में हुआ है उतना ही परिवर्तन मांग में हुआ है। तो हम पहले यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम है P1, और हम यह मान के चलते हैं कि जब प्राइस OP1 है तो मांग OD1 है, जब प्राइस घट गई है तो मांग बढ़कर देखिए, जब कीमत OP1 है तो मांग OD1 है, कीमत OP1 से
घट कर ओपी टू पर आ गई है, यहाँ घट गई है, तो मांग बढ़कर ओडी वन से ओडी टू पर चली गई है। तो यहाँ पर जितना परिवर्तन कीमत में हुआ उतना ही परिवर्तन मांग में हो गया, हमने बराबर दूरी ली है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो हमारे पास जो ग्राफ निकल के आया उसका नाम है टी डी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है इसका जो ढाल है, थोड़ा सा अगर मैं स्केल यूज करूंगी तो यहाँ पे पेन दोबारा नहीं चलेगा, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा ही बना रही हूँ, आप स्केल का यूज करिएगा। तो ये जो ग्राफ है डी डी, इसका ढाल क्या बता रहा है? इसका ढाल बता रहा है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। क्लियर? अब इसके ढाल से कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे मांग की लोच 1 के बराबर है? तो इसका सीधा सा उपाय ये है कि अगर आप इस कोण को काउंट करेंगे तो ये 45 डिग्री का आएगा, और इस कोण को काउंट करेंगे तो ये भी 45 डिग्री का आएगा। तो अब आपको ये बताना है कि इकाई लोचदार मांग का ग्राफ कैसे बनाना है, तो इसकी एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि आप पैनल बनाएंगे, यहाँ से निश्चित दूरी लेंगे, इतनी ही दूरी यहाँ लेंगे और दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे, फिर आप यहाँ पर मांग कीमत 2 बराबर के पॉइंट लेंगे, तो आपको बिल्कुल वही दिखेगा कि जितना परिवर्तन आपने कीमत में किया है उतना ही परिवर्तन मांग में हो गया है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बेलोचदार मांग की। बेलोचदार मांग की कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो 1 से कम होती है। ठीक है, तो बेलोचदार मांग की स्थिति कब होती है? जब कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन तो हो लेकिन कीमत का परिवर्तन ज्यादा हो, तो इसे हम बेलोचदार मांग की स्थिति कहेंगे। तो इसे हम ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे? मांग मात्रा वही कीमत, एक पॉइंट उठाइए G1 P1। आपको क्या करना है, कीमत में परिवर्तन ज्यादा दिखाना है, मांग में परिवर्तन कम दिखाना है। तो आपने मान लीजिए कीमत को OP1 से घटाकर OP2 किया है, तो आपको मांग में चेंजेस कम बताने हैं। कीमत में परिवर्तन इतना है तो मांग में परिवर्तन, अगर कीमत में परिवर्तन इतना है तो मांग में परिवर्तन आप कम ही दिखाएंगे, तो आप मांग में परिवर्तन सिर्फ यही दिखा रहे हैं OD2। ठीक है, तो फिर आप इस ग्राफ को खींचिए और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, ये जो ग्राफ आया आप कैसा देख रहे हैं इस ग्राफ को? ये ग्राफ लगभग खड़ा है। ठीक है, इस ग्राफ का जो ढाल है, ये जो ढाल है इस ग्राफ का, ये लगभग खड़ा है। तो जब इस तरीके का ग्राफ हो, मांग वक्र इस तरीके का हो, तो हम इसे कहेंगे यहां बेलोचदार मांग की स्थिति है। कीमत में कमी हुई, मांग में वृद्धि हुई, लेकिन कीमत में कमी ज्यादा हुई, मांग में वृद्धि कम हुई, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये बेलोचदार मांग की स्थिति कहलाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लोचदार मांग वो क्या होती है? जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो लेकिन मांग का परिवर्तन ज्यादा हो, तो इसे हम बेलोचदार मांग की स्थिति कहते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो मांग वक्र है वो थोड़ा क्षैतिज रूप में ज्यादा होगा, स्टीपर ज्यादा होगा, यानी फैलवा या चपटा ज्यादा होगा। ये आपका मांग वक्र है डी डी,
P1, G1, P2, D2, क्या शो हो रहा है? पहले कीमत OP है, OP1 है, मांग OD1 है फॉर पॉइंट ए, लेकिन कीमत गिरकर OP1 से OP2 पर रह जाती है, तो मांग बढ़कर OD1 से OD2 हो जाती है। क्या दिख रहा है? कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसे लोचदार मांग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्णतया बेलोचदार मांग की। पूर्णतया बेलोचदार मांग की इसे हम कहते हैं ईडी इज इक्वल टू शून्य। जब कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होगा? कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए, कीमत चाहे कितनी भी घट जाए, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी थिंग एनी गुड। कैसे? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ हमने प्राइस लिया, यहाँ हमने डिमांड ली। पहले वस्तु की कीमत ओ पी है तो उसकी डिमांड मान लीजिए ओ डी वन है। वस्तु की कीमत गिरकर ओ पी वन से ओ पी टू हो गई, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड अभी भी ओ डी वन है। वस्तु की कीमत बढ़कर ओ पी वन से ओ पी थ्री हो गई तो भी वस्तु की डिमांड ओ डी वन है, यानी प्राइसेस चाहे डाउन हो चाहे अप हो, डिमांड वहीं की वहीं रहे, तो ये सिचुएशन कहलाती है पूर्णतया बेलोचदार, यानी कि कोई लोच ही नहीं है, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो मांग वक्र होता है वो एक लंबवत रेखा के रूप में होता है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था, इनको मिला दिया तो एक ग्राफ निकल के आया, तो ये भी मांग वक्र है। लेकिन अगर मांग वक्र एक क्षैतिज रेखा के रूप में हो तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ पर मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार है। क्लियर? अब हम आते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। सिचुएशन इस प्रकार की है, सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि वस्तु की कीमत है ओपी, ठीक है। अगर कीमतों को ओपी वन से थोड़ा सा भी नीचे किया जाए तो मांग अनंत बढ़ जाएगी, और अगर कीमत को ओपी वन से थोड़ा सा भी ऊपर किया जाए, मान लीजिए यही ऊपर कर दिया गया, तो मांग शून्य हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में मांग वक्र कैसा होगा कि जो कीमत निर्धारित हो चुकी है उस पर ही वस्तु बिकती रहेगी, मांग होती रहेगी, तो मांग वक्र कैसा होगा? क्षैतिज होगा, एक्स अक्ष के समानांतर होगा। ये कहलाता है पूर्णतया लोचदार मांग की कंडीशन, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, यानी कि अनंत होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको मांग की लोच की इन श्रेणियों से संबंधित उदाहरण बताऊंगी, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि हमारे वास्तविक जीवन में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग की लोच अलग अलग होती हैं। तो
तो अब हम अगले वीडियो में मांग की कीमत लोच के उदाहरण के साथ साथ इसके मापने की जो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग व्यक्तियों ने अर्थशास्त्रियों ने बताई है उन टेक्निक्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।